ड्रैगन बॉल सुपर के मंगा बिना किसी रुकावट के ऑनगोइंग है। बट यार जैसी मंगा के सुपर हीरो आर की स्टोरी चल रही है, इसके बजाय तो ये मंगा ब्रेक पर चली जाती तो ही अच्छा रहता। मैंने रिसेंटली ड्रैगन बॉल सुपर के मंगा के 3-4 चैप्टर्स को एक साथ रीड किया था, क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों में वाकई में काफी बिजी था, तो यार मैं मंगा वगैरह के साथ कीप अप नहीं कर पाया था। बट अब जैसा कि मैंने मंगा के चैप्टर्स को रीड कर लिया है, तो यार सच कहूं तो ये ऑनगोइंग स्टोरी वाकई में सुपर बोरिंग है। इस टाइम ड्रैगन बॉल सुपर की मंगा यहाँ पर काफी हद तक ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी का मंगा वर्जन है। अब यार जो चीज अपन पहले ही एनिमे वर्जन में देख चुके हैं, उसको यार मंगा वर्जन में देखना वाकई में काफी बोरिंग है। हालांकि मंगा को रीड करने का एक बेनिफिट जरूर है, अपन को यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिलेंगे जो अपन को मूवी के अंदर अनआंसर्ड थे। फिलहाल मंगा की स्टोरी पेन की ट्रेनिंग तक आ चुकी है, तो मे बी सुपर हीरो मूवी का मंगा वर्जन अभी भी 4 से लेकर 5 चैप्टर्स को और कंज्यूम करेगा। देन सुपर हीरो मूवी के बाद अपन को एक बार फिर ब्लैक फ्रीजा आर की स्टोरी देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम ब्लैक फ्रीजा आर के अंदर ब्लैक फ्रीजा ने यहाँ सिंगल शॉट के जरिए गोकू एंड वेजिटा को उनके माइटिएस्ट फॉर्म के अंदर नॉकआउट कर दिया था। इसके बाद गोकू एंड वेजिटा बीरोस के प्लांट पर अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करने चले गए, ताकि वो ब्लैक फ्रीजा की अनलिमिटेड पावर को राइवल कर सके। तो अब मेरे हिसाब से जब कभी सुपर हीरो मूवी का मंगा वर्जन खत्म होगा, तब अपन को डायरेक्टली फ्रीजा वर्सेस गोकू एंड वेजिटा का रिमैच देखने को मिलेगा। साथ ही इस अपकमिंग बैटल के अंदर वेजिटा भी अपने अल्ट्रा ईगो के मास्टर्ड वर्जन को अचीव कर लेगा। ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, बट दिसंबर में एक वेब एनिमे काफी ट्रेंडिंग थी, जिसके रूमर्स थे कि वो जनवरी में स्टार्ट होगी, बट वो अभी के लिए पोस्टपोन हो गई है। और लीकर्स के माने तो इस वेब एनिमे की अनाउंसमेंट जल्दी मोस्ट लाइकली जून या जुलाई के अंदर होगी। वीकली ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स की तो कोई अपडेट नहीं है, तो यार वीकली एपिसोड्स के लिए तो अपन को सिंपली वेट करना होगा। अकीरा टोरियामा के अकॉर्डिंग सुपर हीरो मूवी ड्रैगन बॉल जी की एंडिंग से करीब एक साल पहले स्टोरी लाइन में एंटर होती है, तो सुपर हीरो मूवी के बाद वाला जो एक साल का टाइम फ्रेम है उसके अंदर ब्लैक फ्रीजा आर्क ओवर होगा। देन अपन को 28th वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, जहां पर गोकू एंड ओब का फर्स्ट बैटल होगा। वैसे तो रिसेंट ड्रैगन बॉल सुपर के मंगा चैप्टर्स पर यहां ऑडियंस का कोई खास अच्छा खासा रेस्पॉन्स नहीं है, तो यार अब इनको हो सके उतना जल्दी इस स्टोरी को ओवर करना चाहिए। फिलहाल के लिए अपने पास कोई और अपडेट नहीं है, तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर ओवर करता हूं। और जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब पहले की तरह टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगे, जहां अपन ड्रैगन बॉल सुपर के डिफरेंट टॉपिक्स पर पहले की तरह बेहिसाब डिस्कस किया करेंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।